वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे ये गोभी के पराठे सर्दियों में ही बनता है और सर्दी में गोभी बहुत ही अच्छे मिलते हैं मार्केट में अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं गोभी के पराठे बनाने के लिए हमने एक गोभी ले लिया है मीडियम साइज़ का इसको इस तरीके से सब साफ़ करके हमने धो के और दस मिनट के लिए यूं ही रख दिए हैं सारा पानी इसका ड्राई हो जाए और ये जो है ग्रेटर हम ले लिए बड़ाई बड़ा वाले से ही ग्रेट करिएगा छोटे से नहीं करिएगा देखिए इस तरीके से हमने ग्रेट कर लिया है अब इसको हम दस से पंद्रह मिनट के लिए हवा में रख देंगे पंखे के नीचे हम अपने आटे को तैयार कर ले रहे हैं ये हमारा पाँच ग्राम आटा है हाफ़ टी स्पून नमक डाल के और इसको जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम लचीला सा डो बना लेना है सॉफ्ट और लचीला डो हम बना लेंगे नमक मिक्स करके इसको अच्छे से गूंद लेंगे देखिए हमने गूंद लिया है अब हाथों में ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा सा और इसको खूब अच्छे से मसल मसल के हम गून लेंगे एकदम चिकना कर लेंगे ये आटे को ये गोभी के पराठे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं और सर्दियों में बहुत अच्छा माना जाता है ये देखिए हमने दस मिनट पंखे के नीचे रख दिए थे एकदम इसमें पानी नहीं है इतना तो ध्यान दीजिएगा कि पानी बिल्कुल ना हो नहीं तो गोभी के पराठे अच्छे से बेल ना पाएंगे ग्रेट किया हुआ वन टीस्पून अदरक है एक हरी मिर्ची हमको लाल मिर्च पाउडर भी डालना है एक प्याज है प्याज को भी एकदम बारीक से चौप करके इसका पानी पूरा ड्राई कर दिए हैं और ये हरी धनिया है एकदम खास इंग्रेडिएंट्स है हमारे पराठे के लिए अब तो कुछ मसाले डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है ये खड़ा ज़ीरा है क्वाटर टी स्पून गरम मसाला पाउडर बहुत थोड़ा सा डालेंगे हम बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे हाफ़ टी स्पून कम लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर धनिया पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ये भुना जीरा पाउडर है हाफ टी स्पून अजवाइन है अजवाइन हाथों से क्रश करके हमने थोड़ा सा डाल दिया है अजवाइन से जो है पराठे में खाने में सर्दियों में थोड़ा सा गर्मी रखेगा सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है अजवाइन थोड़ी सी हल्दी पाउडर हम डाल देंगे कि हमारे गोभीों में कलर खूब अच्छे आ जाएं अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हम इसमें नमक अभी ऐड नहीं करेंगे नमक एकदम पकाने के टाइम ही हम ऐड करेंगे इसलिए अगर नमक डाल के हम रख देंगे तो हमारी गोभी पानी छोड़ देगा और फिर पराठे अच्छे बेल नहीं पाएंगे पराठे एकदम ख़राब हो जाएंगे तो इसलिए आप नमक मिला के कभी भी मत रखिएगा जब पकाने चलिए फ़ौर से नमक डालिए हमें हाँ मिर्चा थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ऐड करेंगे ना मिर्चा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा ये गोभी के पराठे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे एकदम ना फटेंगे अब देखिए हम थोड़ा सा रोटी से बड़ा लोई ले लेंगे पराठे मोटे ही होते हैं और हाफ़ में हम नमक मिलाएंगे अभी हम पूरे में नहीं मिलाएंगे सिर्फ हाफ में मिला लेंगे हमें जितना ज़रूरत होगा हम उतना ही में मिलाएंगे नमक डाल के मिक्स कर लिए फ़ौरन से बनाना शुरू कर देंगे इस तरीके से हम कटोरी के शेप दे देंगे नीचे के हिस्से को हम मोटा रखेंगे साइड में जो है पतला रखेंगे सूखा आटा लगा लगा के आप बना लीजिए इस तरीके से इसमें हम अपने गोभी के फिलिंग को फिल कर देंगे देखिए हम खूब ज़्यादा ज़्यादा से फिल कर रहे हैं बिल्कुल फट के नहीं निकलेगा आप बिल्कुल ना घबराइए इसी तरीके से बनाइए जिस तरीके से हम बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा अब मुलायम पराठा बन के तैयार होगा अगर एक बार आप इस तरीके से पराठा बनाएंगी तो बार बार बनाने का दिल करेगा देखिए इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए सूखा आटा लगा के इसको हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लीजिए देखिए बहुत अच्छा पराठा बेल रहा है बिल्कुल नहीं परेशान होइए बहुत अच्छा पराठा बनेगा अगर आपने इस तरीके से पराठा नहीं बनाया है तो हमारा देख के आप बनाइए पराठे बहुत अच्छे बनेंगे और परिवार भी खा के बहुत खुश होगा हम इसको अच्छे से सेक लेंगे हम दूसरा भी आपको फिल करके बता रहे हैं देखिए उसी तरीके से हमने दूसरा भी अपना बना लिया है इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे बना देंगे निचला हिस्सा मोटा रखिए फिर ऊपर का हिस्सा देखिए मोटा हो जाएगा अब एक साइड हमारा हो गया हम साइड चेंज कर लेंगे अब हम इस साइड नहीं लगाएंगे तेल हम दूसरे साइड तेल लगाएंगे देखिए एक बार में ही हम पराठा अपना बेल ले रहे हैं अब हम साइड फिर चेंज कर दिए हैं अब हम इसी साइड पे ऑयल लगा लेंगे आप ऑयल चम्मच से लगाइए चाहे ब्रश से लगाइए आप घी में बनाना हो घी में बनाइए रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा हम तो ऑयल में बना रहे हैं अब इस तरीके से उलट पलट के हम एकदम से अच्छे से दबा दबा के उसको सेक लेंगे देखिए कितना अच्छा सेक रहा है एकदम क्रंची सा हो रहा है देखिए okay, इसी तरीके से अपने सारे पराठे बना लेंगे अब हम सर्व करके दिखाएंगे और हरी चटनी सॉस से खाइए इंजॉय करिए अपने परिवार वाले को खिलाइए आप लोग हमें सपोर्ट करिए हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए इजी सा अच्छा सा नया नया रेसिपी लेके आते रहेंगे आपने हमारे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया